होना चाहिए, दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए, बाल विवाह पर कानून बना हुआ है, कोई भी लड़की कम से कम 18 साल का हो तब शादी हो और कोई भी लड़का कम से कम 21 साल का हो तब शादी हो, कानून बना हुआ है देश भर में। लेकिन फिर भी कोई इधर उधर करता है, गलत बात है, कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए, नुकसान होता है। एक तो बाल विवाह के खिलाफ और दूसरा दहेज प्रथा, ये कितनी बुरी चीज, के खिलाफ एक कानून देश में बना हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ दहेज लेने के चक्कर में, मैंने लड़का का ब्याह करेगा दहेज लेगा, मैंने लड़की से शादी होगी तभी ना बाल बच्चा पैदा होगा। सबसे बड़ा महत्व तो महिला का ना मिली, हम सब लोग बैठे हुए हैं तो हम लोगों को मां ने जन्म दिया है, तो ये महिला का तो सबसे बड़ा महत्व, महिला की शादी होगी तो इसके लिए महिला को पैसा देना चाहिए, ये तो बड़ा गलत काम शुरू हुआ है, बहुत गंदी बात है कि लड़का का ब्याह होगा और लड़की को ब्याह करना है उससे तो उसके लिए उसको देना है, तब तो दहेज बहुत गलत चीज है, तो उसके खिलाफ भी पूरा का पूरा अभियान चलना चाहिए। और हम लोग तो चल ही रहे, कोशिश कर ही रहे, पहले की तुलना में घटा है, लेकिन हम तो बोलते रहते हैं कि मना करिए, ये मत करो। और अगर कोई आदमी, आप बोलिए लड़की का करेगा, अरे लड़की से ब्याह उसका नहीं होगा तो किसी चीज को पैदा करेगा, उसको बाल बच्चा होगा, वो तो ऐसे ही कुछ दिन में मर जाएगा, शादी नहीं होगा तो शादी होगा तो उसके लिए शादी करने वाले को पैसा देगा, तो बहुत गलत चीज है। तो इसलिए दहेज प्रथा के खिलाफ भी हम लोग अभियान चलाना चाहते हैं, और आप सब लोगों को कहे हुए हैं, पिछले साल हमने कह दिया था कि भाई हमने जो समाज सुधार अभियान शुरू किया है इसको लगातार जारी रखिएगा, और देखिएगा कि अगर कोई दहेज लेता है, मना करिए कि मत लो दहेज, लेकिन अगर कोई दहेज ले बेटा के शादी में तो उसके शादी में मत जाइएगा। जब कोई जाइबे नहीं करेगा तो कैसा खराब लगेगा उसका, उसका दृश्य कितना खराब होगा, इसके ब्याह में कोई नहीं आएगा।